हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के लिए ठीक है न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटीन्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ठीक है कार्बोहाइड्रेट डिस्कस और लिपिड डिस्कस कर लिया है। लिपिड पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया था और आज के लेक्चर में हम लोग प्रोटीन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जैविक अणु अध्याय 9 स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जीवों में जो प्रोटीन्स होता है वह किस स्थानों पे पाया जाता है, कौन कौन से कार्य होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर मनुष्य के शरीर की बात करते हैं तो प्रोटीन्स कहाँ पर होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। कोई भी क्या करता है, जिम जाता है मसल्स बनाने के लिए, वो क्या करता है प्रोटीन्स के पाउडर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो प्रोटीन्स के पाउडर मसल्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो जो मसल्स होते हैं, ठीक है, आपके बॉडी में वहाँ पे प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं, अर्थात उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। आपके जो हेयर हैं, हेयर भी यह किसी एक विशेष प्रकार की केराटिन प्रोटीन से बना होता है। हेयर किससे बना होता है, हेयर और नाखून जो नेल्स हैं यह भी किससे बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो जंतुओं में जो सिंग होता है, ठीक है, और जो उनके खुर होते हैं वह भी क्या होते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में क्या होता है, प्रोटीन्स पाया जाता है। और अगर कोशिकाओं की बात करते हैं तो कोशिकाओं में प्रोटीन्स का क्या रोल होता है, प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। और जो कोशिका कला की संरचना होती है उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन्स उपस्थित होता है, ठीक है। क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन्स उपस्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रोटीन्स के विभिन्न कार्य होते हैं हमारे शरीर में या कोशिका में, ठीक है। एंजाइम की तरह भी कार्य करता है और कुछ संरचनात्मक कार्य भी करता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द को सबसे पहले बर्जीलियस, किसने, बर्जीलियस तथा मुल्डर दोनों वैज्ञानिकों ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। मुल्डर और बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था या दिया था। प्रोटीन्स सामान्यतः मुख्यतः किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, क्या होता है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल को अमीनो एसिड कहा जाता है इंग्लिश में, अमीनो एसिड, ठीक है। और अमीनो एसिड का क्या होता है, बहुलक होता है, अर्थात क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है, समझ में आना। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटीन्स किससे मिलकर बना है, अमीनो अम्ल से, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स का निर्माण होता है कोशिका में, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, किसी भी प्रोटीन्स को बनाने के लिए कुल कोशिका में 20 प्रकार के, कितने प्रकार के, 20 टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 20 प्रकार के क्या होते हैं, कोशिका में अमीनो एसिड होते हैं। और यही 20 टाइप्स के अमीनो एसिड मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं या प्रोटीन्स की श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये होता है प्रोटीन्स का रासायनिक संयोजन, अर्थात ये किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो 20 टाइप्स के अमीनो अम्ल हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। इसको मुख्य रूप से दो समूहों में बांटते हैं, ठीक है, एक होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो हिंदी में हम तात्विक और अतात्विक कह सकते हैं, या आवश्यक और अनावश्यक, ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इसकी संख्या कितनी दिखाई दी, बनाई गई है लिस्ट में, 10 है, और इसेंशियल की कितनी है,
एसेंशियल की कितनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एसेंशियल की संख्या भी 10 है। तो ये टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। नॉन एसेंशियल क्या होता है, अर्थात अतात्विक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी कोशिकाएं खुद से कर सकती हैं, किसी दूसरे प्रकार के अमीनो अम्ल से या किसी दूसरे रासायनिक अणु से क्या किया जाए, इन अमीनों का निर्माण, अमीनो अम्लों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अर्थात अगर ये हमें किसी दूसरे बाहर से किसी भोजन के साथ अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिला भोजन के साथ तो भी क्या होगा, हमारी कोशिकाएं या हमारा शरीर इन अमीनो अम्लों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन सा अमीनो अम्ल आता है, एलानिन, एस्पैराजिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन, एस्पार्टेट, ठीक है। और यहाँ पे तीन अक्षरों में इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है, एलानिन का ALA, एस्पैराजिन का ASN, सिस्टीन का CYS, ग्लूटामेट का GLU, ग्लूटामिन का GLN, ग्लाइसिन का GLY, ठीक है, और प्रोलिन का PRO, सेरिन का SER और टायरोसिन का TYR और एस्पार्टेट का ASP, ठीक है। इस प्रकार से ये तीन लेटर के इनके क्या है, संक्षिप्त कोड हैं या एब्रिवेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, समझ में आ गया। अगर ये हमारे शरीर में भोजन के द्वारा आता है तो कोई बात नहीं, मिल गया, अगर नहीं मिलता है तो ये हमारा शरीर इनको क्या करता है, निर्माण कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 और अमीनो एसिड हैं, ये कैसे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इनको हम क्या करते हैं, पौधों के द्वारा, ठीक है, जो पौधे हैं, ठीक है, जैसे सब्जियां हैं, दाल हैं, अनाज हैं, उनसे हम क्या करते हैं, इन अमीनो अम्लों को प्राप्त करते हैं भोजन के साथ, ठीक है। इसमें देखिए आर्जिनिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन, ये 10 अमीनो एसिड आते हैं, ठीक है। और इनके सामने इसका तीन अक्षर का संक्षिप्त कोड भी लिखा गया है। इसमें से देखिए जो आर्जिनिन और हिस्टिडिन होता है, इनको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए इसमें अगर हम सबसे छोटे और सरल अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो ग्लाइसिन, ठीक है, GLY, ग्लाइसिन क्या होता है, सबसे छोटा और सरल अमीनो अम्ल होता है, ठीक है ना। तो ये कुल अमीनो अम्ल है 20 प्रकार के। आइए देखते हैं अमीनो अम्ल एक्चुअली होता क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, क्योंकि अमीनो अम्ल से क्या बनने वाला है, प्रोटीन, तो आपको अमीनो अम्ल की संरचना देखनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या संरचना होती है। देखिए अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं इसके लिए संरचना बना रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक कार्बन होता है जिससे चार अलग अलग ग्रुप क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, ये हो गया NH2। देखिए ये एक सरल प्रकार के अमीनो एसिड, ठीक है, या अमीनो अम्ल की क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस प्रकार से सभी अमीनो अम्ल की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। इसमें देखिए एक कार्बन होता है जिससे चार अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं, सॉरी चार अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं। इस कार्बन को क्या कहा जाता है, काइरल कार्बन कहा जाता है, क्या कहते हैं, काइरल कार्बन कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसके पास क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कार्बन होता है, ये पहला कार्बन होता है, और पहला का मतलब होता है अल्फा कार्बन, जो काइरल कार्बन होता है इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है, अमीनो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए जो अमीनो अम्ल होते हैं वह क्या होते हैं, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, समझ में आया। काइरल कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, तो इसलिए
जो अल्फा कार्बन है या कायरल कार्बन है इससे क्या जुड़ा है, अमीनो ग्रुप, तो ये क्या हो गया अल्फा अमीनो, क्योंकि अल्फा से जुड़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ग्रुप है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। और दो ग्रुप क्या है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, यह कन्फर्म है, यह निश्चित है, सभी अमीनो अम्ल में यह क्या होगा हाइड्रोजन होगा, और इसके पास एक क्या होती है साइड चैन होती है, ठीक है, आर होती है, हाइड्रोकार्बन की क्या होती है चैन होती है, ठीक है, सभी अमीनो अम्लों में, सभी अमीनो अम्लों में कम से कम एक कायरल कार्बन होता है, लेकिन जो सबसे सरल प्रकार का ग्लाइसिन अमीनो अम्ल होता है इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे R की जगह पे क्या होता है H होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ग्लाइसिन का COOH, और क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लाइसिन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे COOH, NH2H और H रहता है, यहाँ पे R चैन नहीं होती है, इसलिए ये ऐसा अमीनो अम्ल होता है जिसके पास काइरल कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी सभी जितने भी अमीनो अम्ल हैं सबके पास क्या होगा एक काइरल कार्बन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अमीनो अम्ल होते हैं वे ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या एम्फोटेरिक आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस पे जो नेट रिजल्ट होता है चार्ज का वह जीरो होता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं पाए जाते हैं एम्फोटेरिक आयन, एम्फोटेरिक आयन, ठीक है, या इसी को ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर का मतलब दो, एम्फो का भी मतलब क्या होता है दो, क्यों क्या होता है कि जो एक्वस मीडियम होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे जल प्रेजेंट होता है और कोशिका में जल रहता ही है, तो जो एक्वस मीडियम होता है वहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा एच डोनेट कर देता है, तो ये एच रिलीज करेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो एन एच टू ग्रुप है यह क्या करता है एक और हाइड्रोजन गेन कर लेता है, तो इस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास क्या होता है माइनस चार्ज यहाँ पर होता है, और यहाँ पर क्या होता है एन एच थ्री के पास प्लस चार्ज हो जाता है। तो इसलिए अमीनो एसिड पे क्या होते हैं प्लस और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, अर्थात इसका जो नेट रिजल्ट होता है वह क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। तो ये होता है अमीनो एसिड का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सभी अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों में यह जो साइड चैन है केवल R, R क्या करेगी वैरी करेगी, बाकी ये तीनों ग्रुप क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, समझ में आना। अब आगे देखते हैं कि प्रोटीन्स का निर्माण कैसे होता है या अमीनो अम्ल आपस में कैसे जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, अर्थात प्रोटीन का संयोजन, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको रफ कर दिया जा रहा है, अमीनो अम्ल कैसे आपस में जुड़ करके प्रोटीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए अब आगे हम लोग क्या देखेंगे प्रोटीन का संयोजन, प्रोटीन कैसे बन रहा है, कैसे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए तो हमने कहा प्रोटीन क्या होता है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल को क्या करना है जोड़ देना है। अब ये अमीनो अम्ल कैसे जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल कैसे जुड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो अमीनो अम्ल को जोड़ेंगे हम लोग। तो मान लीजिए ये पहला अमीनो अम्ल है और यहाँ पे यह कौन सी संरचना है COOH है, और ऊपर क्या है एच है, यहाँ पर क्या है NH2 है, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा अमीनो अम्ल यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया यह हो गया NH2, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन COOH, ठीक है, और क्या हो गया ये हो गया R2, ठीक है, ये पहला अमीनो अम्ल है तो इसका R1 साइड चेन है, और ये दूसरा अमीनो अम्ल है तो इसका R2 साइड चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, जो पहला अमीनो अम्ल होता है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो नेक्स्ट या दूसरा अमीनो अम्ल है इसका NH2 ग्रुप आपस में क्या होते हैं ज्वाइंड होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज होता है, यहाँ से OH और यहाँ से 1H, तो इस H को मैं ऐसे दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
अब यहाँ से OH और यहाँ से H क्या होता है, वाटर के फॉर्म में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। और एक क्या बॉन्ड बनता है, कंडेंसेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया H और यहाँ पे ये बन जाएगा CO। NH2 R1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे चलिए N हो गया, H हो गया और यहाँ पे CH, ठीक है, R2 के बाद यहाँ पे COOH, ठीक है, दिख रहा है ना, वाटर रिमूव हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में बंध बन जाएगा। और यहाँ पे यह जो बंध बनता है, इस बंध को, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़ करके एक श्रृंखला बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चैन बनाते हैं, जिसको प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, पहला अमीनो अम्ल जुड़ गया, दूसरा अमीनो अम्ल, इसी तरह से क्या होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, और भी अमीनो अम्ल आते रहेंगे और यहाँ पे COOH ग्रुप के साथ जुड़ते रहते हैं। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है नेचुरली क्या होता है, N टर्मिनल टू, ठीक है, C टर्मिनल की तरफ होता है, N टर्मिनल टू C टर्मिनल। क्यों N टर्मिनल कहा जाता है, क्यों C टर्मिनल, यहाँ पे एक सिरे पे जहाँ पे NH2 ग्रुप रहता है उसको N टर्मिनल, और जहाँ पे COOH ग्रुप रहता है उसको क्या कहते हैं, C टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही क्या है, डबल बॉन्ड है, दोनों में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, कौन, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, अमीनो अम्ल आपस में जुड़े रहते हैं या जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं जो गोला बना रहा हूँ, यह क्या है, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, N टर्मिनल होगा, यहाँ पे C टर्मिनल होगा, जिसमें क्या है, 6 अमीनो अम्ल जुड़े हैं, किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके एक श्रृंखला बना देते हैं और इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके प्रोटीन या क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, क्या होता है, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाता है और पेप्टाइड बंध बन जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की संरचना किस प्रकार से होती है। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको रफ कर दिया जाए। नेक्स्ट आगे हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन्स की संरचना, प्रोटीन्स की भौतिक संरचना या संरचना, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की तीन संरचनाएं पाई जाती हैं मुख्यतः। ठीक है, तो प्रोटीन तीन संरचनाओं में एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है, पहला होता है और दूसरा और तीसरे की बात करेंगे हम लोग। तो पहली जो संरचना होती है उसको कहते हैं प्राथमिक संरचना। क्या होती है, प्राथमिक संरचना। ठीक है, और द्वितीयक संरचना, कौन सी संरचना, द्वितीयक संरचना। इसके बाद तृतीयक संरचना, तृतीयक संरचना। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, प्राइमरी संरचना कैसी होती है, प्राथमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्राथमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बड़े ही सरल प्रकार की संरचना होती है। क्या होती है? सरल संरचना होती है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, सरल संरचना है और यहाँ पे अमीनो अम्लों की एक सीधी संरचना होती है, एक सीधी श्रृंखला होती है जिसको क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचना। क्या होती है? अमीनो अम्लों की एक सीधी श्रृंखला होती है, एक सीधी श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, समझ में आया, अमीनो अम्लों की सीधी श्रृंखला होती है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अमीनो अम्ल आपस में किस प्रकार से जुड़ करके क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो वही संरचना यहाँ पे आप देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये NH2 है और यहाँ पे क्या है, काइरल कार्बन, हाइड्रोजन है और ये R1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, CO हो जाएगा और इसके बीच में बन जाता है पेप्टाइड बंध। ठीक है, क्या बन गया, पेप्टाइड बंध। दूसरा अमीनो अम्ल यहाँ पे जुड़ गया, NH हो गया। ठीक है, CH हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे CO और यहाँ पे क्या हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, फिर ये नेक्स्ट पेप्टाइड बंध से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए NH। ठीक है, CH ये क्या हो गया, R3 हो गया और यहाँ पे क्या होगा, COOH। इसी तरह से क्या होगा, ये श्रृंखला कंटिन्यू आगे चली जाती है। ठीक है, ये कौन सा अमीनो अम्ल है, पहला है और ये क्या है, ये दूसरा है। ठीक है, और ये कौन सा है, तीसरा है ये। और आगे भी इसी तरह से अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जुड़ते हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सीधी श्रृंखला होती है। अगर आप सरल तरह से प्रदर्शित करना चाहें तो ये पहला अमीनो अम्ल, दूसरा, तीसरा और आगे भी चौथा और पांचवा। ठीक है, क्या होगा, अमीनो अम्ल इसी पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके यह जो सीधी श्रृंखला बनाते हैं इसी को क्या कहते हैं, सरल प्रकार की संरचना है या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। प्राथमिक संरचना होती है किसकी, प्रोटीन की होती है। ठीक है, तो सामान्यतः इस अवस्था में बहुत ही कम प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करता हूँ तो कुछ हार्मोन्स हैं जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जैसे ऑक्सीटोसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, 8 या 9 अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बने होते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में, इस अवस्था में कम प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरी संरचना है, द्वितीयक संरचना है। नेक्स्ट क्या है, द्वितीयक संरचना है। ठीक है, तो अब इसको बताने के लिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा इसकी बात करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, द्वितीयक संरचना, देखिए इसमें क्या होता है, तो जो द्वितीयक संरचना है इसको सबसे पहले पाउलिंग और कोरे, पाउलिंग और कोरे दो वैज्ञानिकों ने, ठीक है, द्वितीयक संरचना का क्या किया था, वर्णन किया था, पाउलिंग और कोरे ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो द्वितीयक संरचना है वह दो फॉर्म में पाई जाती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब कुंडलित, और एक होता है बीटा सीट। क्या होता है, बीटा सीट। दो प्रकार की द्वितीयक संरचना होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। ठीक है, सबसे पहले अल्फा हेलिक्स का डायग्राम यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो
प्राथमिक संरचना होती है, अर्थात इस तरह से लीनियर चैन होती है, जहाँ पे एक NH2 होता है, N टर्मिनल होता है, और एक क्या होता है, COOH ग्रुप रहेगा किसी भी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में। तो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो होती है एक इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू, ठीक है, एक काल्पनिक एक्सिस के थ्रू क्या होती है, क्वाइल्ड हो जाती है। क्या होती है? क्वाइल्ड हो जाती है इस तरह से, जैसे स्प्रिंग लिपटा होता है ना, तो एकदम से वैसी तरह से क्या होती है, ऐसे ये हेलिक्स बना देती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, इस श्रृंखला को अस्थायित्व तो प्रदान करते हैं। ये N टर्मिनल है तो ये क्या होगा, C टर्मिनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, अमीनो अम्ल है तो अमीनो अम्ल में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, जो क्या करते हैं, इनको इस संरचना को क्या करते हैं, अस्थायित्व तो प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे वांडरवाल इंटरेक्शंस, ठीक है, हाइड्रोजन बंध आपस में जुड़ करके इस अल्फा हेलिक्स को क्या करते हैं, अस्थायित्व तो प्रदान करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसी अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स यहाँ पे हैं, देखिए कोलेजन, कौन सा प्रोटीन, कोलेजन जो हमारे उतक में पाया जाता है, ठीक है, और जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कोलेजन के फाइबर पाए जाते हैं, वो किस रूप में होते हैं, अल्फा हेलिक्स से बने होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटा सीट क्या होता है, ठीक है। देखिए बीटा सीट में क्या होता है, पहला सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स था, ठीक है, बीटा सीट में क्या होता है, यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकती है, ये N टर्मिनल है और ये क्या है, C टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल होती है, और यहाँ पे इनके बीच जो एटम्स होते हैं ऐसे इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इस संरचना को क्या करते हैं, अस्थायित्व प्रदान करते हैं, एक सीट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बीटा सीट या बीटा प्लीटेड सीट कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या संरचना में क्या होती हैं, दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, दो प्रकार होता है, अगर दोनों श्रृंखलाएं पैरेलल है तो कहा जाएगा कि पैरेलल बीटा सीट, और दोनों एंटी पैरेलल है, अर्थात यहाँ पे इसका सी हो जाए, वहाँ पे उसका एन हो जाए, तो क्या कहा जाएगा, एंटी पैरेलल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो आगे कौन सा स्ट्रक्चर है, तृतीयक स्ट्रक्चर है, तीसरी संरचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा, इसको रफ कर देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर या तृतीयक संरचना, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्या कहते हैं, तृतीयक संरचना, ठीक है। तो देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करता है, आपस में पुनः क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक त्रिविम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं गोलाकार संरचनाएं बनाती हैं, कैसी, गोलाकार संरचनाएं बनाती हैं, ठीक है। और इसी संरचना को क्या कहते हैं, तृतीयक संरचना कहते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, देखिए जरा ध्यान से आप लोग, यह मान लीजिए एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, अब क्या हो गया, यही अल्फा हेलिक्स फिर से इधर की तरफ क्या हो गया, फोल्ड हो गया, ठीक है, अब पुनः क्या हो, फिर से यही अल्फा हेलिक्स या दूसरा अल्फा हेलिक्स ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, कई बार फोल्डिंग एक दूसरे के ऊपर नीचे अगल बगल हो जाती है, जिससे एक गोलाकार या 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी संरचना को क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और सामान्यतः ऐसी प्रोटीन गोलाकार प्रोटीन होती हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं कौन कौन सा प्रोटीन होगा, तो ग्लोब्यूलिन्स, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स, और कौन सा प्रोटीन होगा, मायोग्लोबिन, कौन सा प्रोटीन, मायोग्लोबिन,
और कौन सा प्रोटीन होगा? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये सभी प्रोटीन क्या होते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं या ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का रासायनिक संयोजन क्या है, और उसमें से हम लोगों ने अमीनो अम्ल के बारे में स्टडी किया, और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटीन है इसकी भौतिक संरचना में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, द्वितीयक स्ट्रक्चर है, और क्या है, तृतीयक स्ट्रक्चर, अर्थात संरचना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, कभी कभी बताया जाता है कि इसमें क्या होती है, एक चतुर्थ लेवल की भी क्या होती है, संरचना होती है, तो वहाँ पे एग्जांपल हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी ग्लोबिन प्रोटीन क्या करेंगे, आपस में जुड़ करके, ठीक है, एक नया समूह बनाएंगे, उसको क्या कह देंगे, चतुर्थ संरचना। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये तीन संरचनाएँ हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोटीन्स बनती हैं, और प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, अर्थात बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। और प्रोटीन्स हमें कहां से मिलता है, जो भी दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अरहर है, मटर है, ठीक है, वहां से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, या फिर चना है, चने से भी प्रोटीन मिलता है। अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो आप लोगों को सोयाबीन के बीज में, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अगर आप लोगों को अपने शरीर का अच्छे से विकास करना है तो अच्छी मात्रा में क्या कीजिए, प्रोटीन लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके शरीर का विकास अच्छी तरह से होता है। ठीक है, और अगर आप यही नहीं करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब जिम में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ से जिम करते हैं और क्या करते हैं, केमिकल पाउडर लेते हैं और उसका सेवन करते हैं। उसमें क्या होता है, प्योर फॉर्म में प्रोटीन रहते हैं, सिंपल फॉर्म में प्रोटीन रहते हैं, जो सीधे क्या होते हैं, ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं या बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, बॉडी का ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो आप नेचुरली सिंपली ऐसे पदार्थ खा सकते हैं जहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।